हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो आज हमारा जो टॉपिक है बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पीरियोडिक टेबल, इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ फॉलोइंग हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी का क्वेश्चन है ये। अच्छा, मेरा जो इंट्रोडक्शन है सबको पता है, वैसे मैं बता रहा हूँ, माई सेल्फ डॉक्टर डीराज राव, टीम केमिस्ट्री CLC सीकर, और हम 46 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और टोटल 45 क्वेश्चन है, जिसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के मिक्स क्वेश्चन होंगे। बायोमोलिक्यूल आपका ऑर्गेनिक का पार्ट है, पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और ये पीरियड इनऑर्गेनिक का है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन जो है, विच ऑफ फॉलोइंग है द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी किसकी ज्यादा, एफिनिटी का मतलब क्या होता है कि आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो एनर्जी रिलीज होगी। तो आप लिथियम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो और एक बोरोन में ऐड कर रहे हो, ठीक है, और एक बेरिलियम और नाइट्रोजन। अब बेरिलियम के अंदर क्या स्टेबल कॉन्फिग्रेशन है, ये 1s2, 2s2, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो इसमें एस में पहले से इलेक्ट्रॉन पटे स्टेबल है। ये कंप्लीट फील्ड हो गया, ये हाफ फील्ड हो गया, तो इन दोनों में तो क्या हो गया, ऑर्बिटल स्टेबिलिटी आ गई। तो यहां पर एफिनिटी क्या होगी, कम मिलेगी इनकी। फिर बोरोन और बेरिलियम की बात करें तो यहां इलेक्ट्रॉन आप किस में ऐड करोगे, एस में, ये हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। तो ये 2s1 है, ये यहां पर बोरोन आपके पास आ जाएगा, 2p1 में ऐड करोगे। तो पेनेट्रेशन पावर किसका ज्यादा होता है, लिथियम का ज्यादा होता है। तो लिथियम के अंदर जो है एफिनिटी मैक्सिमम आएगी। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, समझ गए ना। अभी पेनेट्रेशन पावर जो है ना, पीपी, वो है एस की ज्यादा होती है पी से। तो पेनेट्रेशन पावर ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब इसमें एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आप इसमें एस में ऐड करोगे और इसमें पी में ऐड करोगे। और यहां पर दोनों का एक फुल फील्ड ऑर्बिटल स्टेबिलिटी और एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल स्टेबिलिटी है। तो इस वजह से इन दोनों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, यानी हम क्या कहें, इनकी एफिनिटी कम होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज द मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी। आयन एनर्जी मैक्सिमम पूछ रहा है, ये किसकी होगी। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी और गैलियम। अब देखिए डी ब्लॉक वालों की क्या होती है, ज्यादा होती है। ये गैलियम तो आपका क्या हो गया, पी ब्लॉक का आ गया। तो इसमें तो क्या मेटेलिक करेक्टर आ जाएंगे और इसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा। ये पूछ रहा है मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है। अब आपको पता है कि 3D, 4D और 5D सीरीज के अंदर बात करें तो यहां पर 3D और 4D में कंपेयर करेंगे तो यहाँ साइज क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है यहाँ से 3D से 4D की ओर मूव करोगे तो। और फिर 5D, 4D से 5D जाओगे तो यहाँ लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन आ गया बच्चों। लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मिनिमम 4D की होगी, मिनिमम मिनिमम जो है ना आयनाइजेशन एनर्जी जो है यहां पर किसकी हो जाएगी, इसकी 4D सीरीज की। तो हमारे पास देखिए जिंक, कैडमियम और मरकरी, तो सबसे ज्यादा मरकरी की हो गई, HG की। उसके बाद आएगा जिंक, उसके बाद आएगा कैडमियम, ये आयनाइजेशन एनर्जी का, तो HG की करेक्ट होगी। नेक्स्ट चल लेते हैं, तो इसमें थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। 48, इन विच ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंट्रल एटम द मैक्सिमम। मैक्सिमम पूछ रहा है तो देखिए यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, तो पार्शियली इसके ऊपर नेगेटिव आएगा इस पर। अब इस CF4 में देखिए कार्बन के ऊपर, कार्बन से अटैच कितने हैं, चार फ्लोरिन अटैच है, तो इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, देखिए पार्शियली पॉजिटिव बढ़ गया। अपन कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। जैसे आपके पास ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा, पॉजिटिव की ज्यादा होगी। तो पॉजिटिव बढ़ने से जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी बच्चों। तो हमारा थर्ड आंसर इज करेक्ट। डायगोनल रिलेशनशिप इज शोन बाई लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और ऑल ऑफ दिच। अब डायगोनल रिलेशनशिप जो है आपके पास सारे एलिमेंट शो करेंगे भी, जैसे लिथियम जो है मैग्नीशियम के साथ में शो करता है, लिथियम जो है
मैग्नीशियम के साथ डायगोनल शो करता है, और बोरोन जो होता है आपका वो सिलिकन के साथ शो करता है बच्चों, बोरोन सिलिकन के साथ शो करता है, ठीक है। और बेरिलियम जो है वो एल्यूमिनियम के साथ में शो करता है, बेरिलियम आप लेते हैं, ये एल्यूमिनियम के साथ शो कर रहा है डायगोनलाइजेशन। तो इनका आयनिक पोटेंशियल ऑलमोस्ट इक्वल होता है, आयनिक पोटेंशियल यहाँ पर क्या होता है फाई होता है, वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है इसे डायगोनल रिलेशनशिप शो करेंगे। तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, एच एफ एच सी एल एच बी आर एच आई एसिडिक स्ट्रेंथ का ये करेक्ट ऑर्डर है, क्योंकि यहाँ पर साइज क्या है आपका, आयोडीन का बड़ा है और हाइड्रोजन का छोटा है, तो ये जल्दी ब्रेक हो जाएगा। हाइड्रो एसिड में अपन कहते हैं टॉप टू बॉटम जाओ, लेफ्ट टू राइट जाओ, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। फिर एच सी एल एच सी एल ओ फोर एच सी एल ओ फोर, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आपका क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, +7 है, +5 है, +3 है, +1 है, तो ये बढ़ जाएगा आपका एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन अपन बताते हैं, H3PO4 वाला। इसमें देखो यहाँ +5 है, यहाँ +3 है, यहाँ +1 है, ये एक एक्सेप्शन केस लेते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पर हो स्टेरिक हिंड्रेंस ओवरक्राउडिंग वाला फैक्टर कंसिडर कर लेते हैं। तो ऑल ऑफ दीज ऑल आर करेक्ट। विच ऑफ फॉलोइंग ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक नेचर किसका ये पूछ रहा है। देखिए मैंगनीज की ये लोअर ऑक्सीडेशन है, ये हाईएस्ट है, तो ये आपकी क्या बेसिक हो गई, ये एसिडिक हो गई। फिर क्रोमियम में ये आपकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, ये हो गया आपका एसिडिक, और Cr2O3 ये हो गया आपका एम्फोटेरिक। तो फर्स्ट इज करेक्ट। और वैसे आपने कई मेटल ऐसे याद भी कर रखे हैं, जैसे जिंक है, बेरिलियम है, एलुमिनियम है, गैलियम है, पीबी है, टिन है, मैंगनीज है, इनके ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। पिकोजन यानी निकोजन्स आर मेंबर ऑफ, निकोजन बोलते हैं 15 ग्रुप को, निकोजन इनका नाम होता है, इनको अपन बोलते हैं इनके फर्टिलाइजर बनाते हैं, उर्वरक बनाते हैं, खाद बनाने में काम आ जाते हैं ये, इसीलिए इनको निकोजन बोलते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, थर्ड आयनेशन एनर्जी इज मैक्सिमम फोर। थर्ड आयनेशन एनर्जी पूछ रहा है, मतलब आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, जैसे सोडियम का फर्स्ट लिख रहा है, मैग्नीशियम जैसे, अब आप क्या करो, मैग्नीशियम के अंदर कॉन्फिग्रेशन क्या होता है, S2 होता है, तो आप S में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो 53 का आपका जो आंसर आएगा वो सेकंड करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव NPC एंड सल्फर आर। तो देखो नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन यहां पर आ रहा है, ये दो तो इनकरेक्ट हो गए आपके। अब नाइट्रोजन और फिर बाद में कार्बन सल्फर की इक्वल होती है, और फॉस्फोरस की सबसे कम, यहाँ 3.0 होती है, और इसकी कार्बन और सल्फर की 2.5 और फॉस्फोरस की 2.1, तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अब आता है आयनिक रेडियाई ऑफ द N-3 Mg+2 Al+3 रेस्पेक्टिवली, आयनिक रेडियाई का ऑर्डर पूछ रहा है। तो देखिए एनाइन्स जो होते हैं ना वो साइज में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, कैटायन क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो कैटायन आपके पास ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है वैसे तीनों, अब यहाँ पर ये Al+3 है, Al+3 का जो साइज आएगा वो क्या आएगा, सबसे छोटा आ जाएगा, और N-3 का क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको देखो, पहले ज्यादा ऑर्डर आपके पास, फिर कम, और फिर सबसे कम, तो ये आपका थर्ड आंसर इज करेक्ट। डिटोल इज अ मिक्सचर ऑफ, डिटोल किसका मिक्सचर होता है, क्लोर जाइलिन और टर्पिनियोल का मिक्सचर होता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आप इसमें देखिए बच्चों, ये आपका है क्लोर जाइलिनोल, क्लोर जाइली नोल, और एक होता है टर्पिनियोल, टर्पिनोल, इन दोनों का मिक्सचर है, फोर्थ इज करेक्ट। तो स्ट्रक्चर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये क्लोर जाइलिनोल में पता चला है क्लोरीन तो आएगा, या आएगा आपका जाइलिनोल मतलब 2 CH3 आएंगे, और ओल आ गया तो एल्कोहल ग्रुप भी आ गया आपका, टर्पिनियोल में आपके पास एक OH ग्रुप होता है, तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। विच इज एंटीसेप्टिक, ये भी याद करने वाला, बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक होता है, आयोडोफोम एंटीसेप्टिक है, बिथियोनियोल एंटीसेप्टिक होता है, ठीक है,
इक्वेनिल एंटीसेप्टिक नहीं होता बच्चों। इक्वेनिल जो है एक न्यूरो अपन ये कह सकते हैं न्यूरोन को इफेक्ट करने वाली ड्रग्स होती है, एंटी डिप्रेशन ड्रग, और फुरासिन ये एंटीसेप्टिक हो गया, सोफ्रामाइसिन एंटीसेप्टिक हो गया। तो ए बी सी ई एफ ये आएगा, फोर्थ इज करेक्ट। देख लीजिए फोर्थ इसमें आंसर है, इक्विनिल को ध्यान रखना ये नहीं आएगा। विच इज अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, ये भी एक एनशियाटिक क्वेश्चन। एस्पार्टेम जो होता है ना, एस्पार्टेम ये क्या होता है, कुकिंग टेम्परेचर पर अनस्टेबल होता है, यानी ब्रेक हो जाता है गर्म करते ही, इसलिए कोल्ड चीजों में इसको मिलाते हैं। ये आपका आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट हो गया, ठीक है। मोनोमर ऑफ नाइलोन टू नाइलोन सिक्स, तो इसमें हमारे पास ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोइक एसिड, ये नाइलोन टू जो नाम आया, नाइलोन टू आ गया तो ग्लाइसिन में दो कार्बन होते हैं, नाइलोन सिक्स इसलिए आया इसमें सिक्स कार्बन होते हैं, तो सेकेंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। विच इज ए रिड्यूसिंग सुगर, रिड्यूसिंग सुगर कौन सा है ये पूछ रहा है, तो रिड्यूसिंग सुगर के लिए क्या होता है बच्चों, फ्री ग्रुप आपके पास होना चाहिए, ठीक है, यानी एल्डिहाइड ग्रुप आपके पास, या मैं कहूँ वैसे तो अपन एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर बात करेंगे, क्योंकि एल्डिहाइड क्या होता है, रिड्यूसिंग होते हैं, कीटोन नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, तो सुक्रोज क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग होता है डाइसेक्राइड में, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का क्या होता है, डाइसेक्राइड होता है, तो इसमें फ्री ग्रुप नहीं होता, एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप फ्री नहीं होता इसमें, तो माल्टोज रिड्यूसिंग है, लैक्टोज भी रिड्यूसिंग है, तो बी और सी फोर्थ आंसर इज करेक्ट, 60 में आपका फोर्थ। गट्टा परका होता है, एक आपके पास होता है नेचुरल रबर, नेचुरल रबर जो होता है ना वो होता है सिस पॉलीआइसोप्रीन होता है, और गट्टा परका ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन होता है, ये जो सिस होता है ये नेचुरल रबर में होता है, नेचुरल रबर, इसमें सिस यूनिट होती है और इसमें ट्रांस होती है, पॉलीआइसोप्रीन है 2-methyl-1,3-butadiene, ठीक है, इसका ये पॉलीमर है। विच ऑफ फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, बायोडिग्रेडेबल मींस विच आर डिग्रेडेड बाय द बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो यहां पर बच्चों देखो टेरेलिन डेफलोन पीवीसी, सेलुलोज जो होता है ना वो नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है ना, ये ग्लूकोज का नेचुरल पॉलीमर होता है, तो बायोडिग्रेडेबल होता है, पीएचबीवी भी होता है, नाइलोन टू नाइलोन सिक्स भी होता है एनसीईआरटी में, ये भी दे रखे हैं अपने को, ये भी ध्यान में रखना। विच ऑफ फॉलोइंग नॉट ए कंडेंसेशन पॉलीमर, तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर में देखें डैक्रोन मेलामीन ग्लिप्टेल नियोप्रिन, तो नियोप्रिन द एडिशन पॉलीमर नॉट ए कंडेंसेशन, नियोप्रिन किसका पॉलीमर होता है बच्चों, 2-chloro-1,3-butadiene का, डबल बॉन्ड लगा दिया 2-chloro-1,3-butadiene, क्लोरोप्रिन से बनेगा नियोप्रिन रबर, तो दिस इज द एडिशन पॉलीमर, ठीक है। मेलामिन में मेलामिन आ जाएगा आपके पास, और डेक्रोन आपके पास है थैलिक एसिड और ग्लाइकोल का पॉलीमर आ जाता है, ठीक है, तो ये अपने को सारे चीजें ध्यान रखें, नियोप्रिन एक इसमें आंसर बनेगा करेक्ट आपका। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर्म द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, तभी मैंने आपको बताया था कि देखो ये आपके पास आ गया नायलोन टू, सॉरी नायलोन टू लिखा था और अपन ने नायलोन सिक्स लिया था, तो ये ही आपके पास आया अमीनो कैप्रोइक एसिड, और एक आपके पास नायलोन टू आपके पास हो जाएगा ग्लाइसिन अमीनो एसिड, तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट। देख लीजिए विच ऑफ फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ द थर्मोसेटिंग पॉलीमर, थर्मोसेटिंग बोल रहा है, तो पहला हमारे पास देखो 2-chloro-1,3-butadiene का पॉलीमर आ रहा है, ये सब थर्मोप्लास्टिक आ रहे हैं, थर्मो सेटिंग में हमारे पास आता है नोवालैक और एक आता है बैकेलाइट, तो बैकेलाइट टाइप के जो पॉलीमर होते हैं ना इसमें ये हमारे हो, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका फोर्थ, ठीक है। ये आपके पास हो गया फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड का पॉलीमर है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर बनेगा इसी यूनिट से, वैसे ये लीनियर चेन दिखा रखी है तो नोवालैक है, और वैसे क्रॉस लिंक से बनेगा वो बैकेलाइट, जबकि नोवालैक तो थर्मो प्लास्टिक होता है और बैकेलाइट थर्मो सेटिंग होता है, तो आंसर आएगा फोर्थ, फोर्थ ही बनना है आपके पास।
विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लो डेंसिटी पॉलीथीन इज फॉल्स. लो डेंसिटी के लिए पूछ रहा है. सिंथेसिस रिक्वायर्स द डाइऑक्सीजन और परोक्साइड इनिशिएटर एज ए कैटलिस्ट. सही है. देखिए दो टाइप के होते हैं, एक होता है हाई डेंसिटी, एक होता है लो डेंसिटी. तो लो डेंसिटी में हमारे पास क्या होता है, डाइऑक्सीजन और परोक्साइड इनिशिएटर होता है. और हाई डेंसिटी में हमारे पास क्या होता है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट. ए लीनियर पॉलीमर ऑफ एथीन, ये गलत हो गया. ये लीनियर नहीं होता बच्चों, ब्रांच पॉलीमर होता है, ब्रांच पॉलीमर. सिंथेसिस रिक्वायर द हाई प्रेशर, ये सही है. पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी करेक्ट है. तो ये हमारा जो सेकंड आंसर है वो इनकरेक्ट हो गया इसके बाद. क्लोरम फेनिकोल इधर है, ये एंटीबायोटिक की कैटेगरी है. एंटीबायोटिक है ये और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है. एंटीबायोटिक में हमने दो, एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है. तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्लोरम फेनिकोल, ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब इट कवर द ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव. और सम बैक्टीरिया कवर्ड बाय द ग्राम ये क्या बोलते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. एंटी फर्टिलिटी ड्रग अलग हो जाएगी, एंटी स्टामिनिक्स स्टामिन को कम करेगी, एंटी फर्टिलिटी फर्टिलिटी को कम करती है. मैच द कॉलम के क्वेश्चन आ गया है. तो इसमें देखो बूना एन किसका पॉलीमर होता है बच्चों, एक्रिलो नाइट्राइल एंड ब्यूटाडाइन का होता है. तो देखिए ए में ई मिल रहा है, देखिए एक ही ऑप्शन मिल रहा है खाली, तो जैसे सीधा डायरेक्ट इसी से करेक्ट हो गया आपका, बाकी सब आप मिला सकते हो. बी में सी मिल रहा है आपका, नाइलोन 6,6 हेक्सामिथाइलिन डायामीन और एडिपिक एसिड हो गया. और सी में बी आपके पास डायक्रोन जो होता है थैलिक इसका टर्थैलिक एसिड और थैलिक इथाइलिन ग्लाइकोल का पॉलीमर हो गया. सी में आपके आ रहा है बी, ये बी आपके पास आ जाएगा बच्चों, टर्थैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल, यहाँ बी प्रिंट है. और डी में ए आ जाएगा, थैलिक एसिड और एथाइलिन ग्लाइकोल से एक ग्लिप्टेल बनता है, ग्लिप्टेल प्लास्टिक. द कैटलिस्ट फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ द ओलेफिन इच, ओलेफिन के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज होने वाला है. ठीक है, तो यहां पर जेगलर नाटा कैटलिस्ट, विल्कनसन कैटलिस्ट और पीडी कैटलिस्ट, जैसे सॉल्ट कॉम्प्लेक्स. तो पॉलीमराइजेशन में जिगलर नाटा यूज होता है, विल्कनसन हाइड्रोजनेशन में, पीडी हाइड्रोजनेशन में, जैसे सॉल्ट कॉम्प्लेक्स, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं अपन, तो इसका अलग ही यूज आ जाएगा. मोनोमर NaCH2CO, ये कैप्रोलैक्टम हो गया बच्चों. कैप्रोलैक्टम जो साइक्लिक एमाइड अपन लेते हैं, इनको कैप्रोलैक्टम बोलते हैं, कैप्रोलैक्टम. तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट. विच फॉलोइंग द सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, नेचुरल रबर, ये तो क्या हो गया, नेचुरल हो गया. गन कॉटन, सेलुलोज नाइट्रेट. देखिए सेमी सिंथेटिक का मतलब हाफ नेचुरल होता है और हाफ सिंथेटिक होता है बच्चों, दोनों का मिक्सचर फॉर्म है. और सेलुलोज नेचुरल हो गया, न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए नेचुरल हो गया. तो सेकंड आंसर इज करेक्ट. करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, जहां पर अमीनो एसिड एक ज्यूटर आयन फॉर्म करता है और कैन नॉट माइग्रेट टुवर्ड्स द एनी इलेक्ट्रोड. तो एट दिस पॉइंट अमीनो एसिड द प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ज्यूटर आयन. द सेकंड आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट लेते हैं प्रोसेस. मैक्सिमम एनर्जी रिलीज, मैक्सिमम एनर्जी रिलीज किसमें होगी ये पूछ रहा है. तो बच्चों इसमें हमारे पास क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना हमारे सेकंड पीरियड की क्या होती है, कम होती है, और थर्ड पीरियड की क्या होती है, मैक्सिमम होती है. तो सल्फर हमारे पास ऐसा ही है एलिमेंट है, तो सल्फर और फर्स्ट जो है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है. पर ये सेकंड हो गई तो कम हो जाएगी रिपल्सन के कारण, ये एंडोथर्मिक होगा, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा. तो हमारा थर्ड आंसर इज करेक्ट. सैलोल क्या होता है बच्चों, एंटीसेप्टिक होता है, इंटरनल एंटीसेप्टिक. ठीक है, ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हो, प्रिपरेशन मेथड में आता है. सैलोल बनाते हो और एक आप विंटरग्रीन बनाते हो, तो वहां पर ये तीन एस्प्रिन, तीनों का एंटीसेप्टिक होगा.
बिथियोनिल क्या होता है, साबुन में अपन ऐड करते हैं, बिथियोनल, नेल आ रहा है एल, है ना, तो ये अपन क्या करते हैं एंटीसेप्टिक होता है, साबुन में इसको ऐड करते हैं जिससे उसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। ये भी एक एनसीईआरटी का वेल पॉपुलर क्वेश्चन। विच ऑफ फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच, तो नियोप्रिन में 2 क्लोरो आता है बच्चों, यहाँ सीएल आना चाहिए था, यहाँ CH3 आ गया, यही गलत हो गया। बोनाइन आपका एक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है, पॉलीआइसोप्रिन में 2 क्लोरो 1 3 ब्यूटाडाइन, ठीक है आपका। बोना एस में ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन का पॉलीमर है, ये ठीक है आपका। तो ये फर्स्ट इज इनकरेक्ट। विच ऑफ फॉलोइंग पॉलीमर इज द क्लोरीनेटेड, क्लोरीनेटेड कौन सा पॉलीमर है ये पूछ रहा है। तो नियोप्रिन में बच्चों क्या होता है, 2 क्लोरो 1 3 ब्यूटाडाइन हो गया, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, बोथ 1 एंड 2, तो आपका थर्ड आंसर इज करेक्ट। मतलब 77 में आपके पास जो है दोनों में क्लोरीन आ रहा है आपके पास। नियोप्रिन आप जानते हो 2 क्लोरो 1 3 ब्यूटाडाइन, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। बेकेलेट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल की रिएक्शन से होता है, ये फिनोल होता है आपका और इसकी रिएक्शन कराते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ अटैक कर लेता है, फिर इसमें कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो जाता है, तो रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड फिनोल, और ये लैडर मोनास रिएक्शन भी होती है इसमें। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर, ये बच्चों क्या होते हैं एनोमर्स होते हैं, फर्स्ट कार्बन के ऊपर आपका कॉन्फिग्रेशन चेंज होता है, और एपीमर में अलग होता है। एपीमर में क्या होता है, एनोमर्स में फर्स्ट जो कार्बन होता है ना एल्डिहाइड कार्बन, उसको एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। भाई जैसे ये आपके पास H डबल बॉन्ड H है, इसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। अब इसी के ऊपर क्या वो चेंज होता है, एक बार राइट साइड में आता है अल्फा, लेफ्ट साइड में आता है तो बीटा, और ये डायस्टीरियोमर तो होते ही है, जैसे पार्शियली कॉन्फिगरेशन चेंज होता है ना वो डायस्टीरियोमर होते हैं। तो सेकेंड और थर्ड दोनों करेक्ट है, फोर्थ आंसर इज करेक्ट। विच ऑफ फॉलोइंग द डाइसेक्राइड कंसिस्ट ओनली ऑफ ग्लूकोज यूनिट, केवल ग्लूकोज यूनिट आनी चाहिए आपकी। तो सुक्रोज जो है ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों हो गए बच्चों, माल्टोज में ओनली ग्लूकोज होता है, लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होता है, तो माल्टोज आंसर इज करेक्ट। 80 में आपका सेकेंड आंसर आ जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला PHBV, पोली हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट और वेलरेट, ठीक है ना, दोनों होते हैं इसमें, ब्यूटरेट भी होता है वेलरेट भी होते हैं, और नायलॉन 2 नायलॉन 6, ये भी हो गया नायलॉन 6 1 0, ये नहीं होगा बच्चों, ये नहीं होगा, बोथ 1 एंड 2, फोर्थ आंसर इज करेक्ट। विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड कैन फॉर्म ए ज्विटर आयन, सल्फेनिलिक एसिड और एक है ग्लाइसिन, बोथ N2, तो ये दोनों ही बना सकते हैं। सल्फेनिलिक एसिड मतलब आपके पास इस तरह से पैरा पोजीशन पर देख लीजिए, NH2 है और ये SO3H है, तो सल्फेनिलिक में ज्यूटर आयन ऐसे बन जाएगा आपका। ये सल्फेनिलिक एसिड होता है। एसिड सल्फेनिलिक एसिड से बनेगा ये ज्विटर आयन, और ये ग्लाइसिन अमीनो एसिड हो गया, ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, इसमें इस तरह का आपका ज्विटर आयन बन जाएगा, तो थर्ड आंसर इज करेक्ट। विच आर गिवन बिलो द नॉन रिड्यूसिंग सुगर, तो बच्चों देखो ग्लूकोज रिड्यूसिंग होता है, लैक्टोज रिड्यूसिंग होता है, माल्टोज रिड्यूसिंग, डाइसेक्राइड में सारे रिड्यूसिंग होते हैं एक्सेप्ट सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का पॉलीमर है, इसमें फंक्शन ग्रुप फ्री नहीं होता है, क्योंकि एक का फर्स्ट कार्बन एक का सेकेंड दोनों ही ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एडिशन एंड द होमोपोलीमर, एडिशन भी पूछा है और साथ में होमोपोलीमर ही पूछा है, दोनों चीजें। तो बच्चों देखो नियोप्रिन एक एडिशन पॉलीमर है, नायलॉन 6 6 ये आपका एडिशन नहीं है, ठीक है, पॉलीस्टाइरीन
ये आपके पास एडिशन पॉलीमर हो गया, लेकिन होमो नहीं है, सॉरी होमो ही होगा, पॉलीस्टाइरीन मोर देन स्टाइरीन यूनिट होगी, ठीक है, और नायलोन 6 नहीं होगा आपके पास, और पान भी आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट, थर्ड, फर्स्ट आपके पास आ गया, और सॉरी सेकंड, फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ, ये फर्स्ट आंसर इज करेक्ट 84 में, ठीक है, फर्स्ट आंसर करेक्ट हो गया। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड के लिए क्या करेक्ट नहीं है, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, ये जो होते हैं हमारे पास एनोमर्स होते हैं, सही बात है, ये बीटा अल्फा क्या होते हैं, दो एनोमेरिक फॉर्म होते हैं, अभी बात करी थी हमने, ग्लूकोज एंड मैनोज आर एपीमर्स, ये भी बच्चों करेक्ट है, मैनोज आपका सी टू एपीमर होता है, सी टू एपीमर ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज में सेकंड नंबर पर जो कार्बन आ रहा है उसका जो ओएच है वो लेफ्ट राइट कर दीजिए आप, तो वो एपीमर आ जाएगा। फिर आता है फ्रक्टोज द कीटोन सुगर, हैंस इट डज नॉट गेट रेड पीपीटी विद फेलिंग सॉल्यूशन, ये गलत हो गया बच्चों, क्योंकि फ्रक्टोज एल्कलाइन सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, चेंज होके वो एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, तो फ्रक्टोज ऑल्सो रिड्यूसिंग सुगर, तो यहां पर थर्ड आंसर जो है आपका नॉट करेक्ट। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच अकॉर्डिंगली देयर यूजेज, यूज आपको देखो एनसीईआरटी से याद करना है, ग्लिप्टेल मैन्युफैक्चरिंग पेंट एंड लीकर्स करेक्ट है ये, और बैकलाइट इलेक्ट्रिकल स्विच में काम आता है, बड़ा फेमस है, पीवीसी मैन्युफैक्चरिंग और रोप्स एंड द टॉयज, ये गलत है क्योंकि पीवीसी के तो पाइप होते हैं प्लास्टिक, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन फॉर मेकिंग द अनब्रेकेबल कप्स, अनब्रेकेबल क्रॉकरी जो आइटम है उसी से बनते हैं, तो आपका थर्ड आंसर इसमें करेक्ट हो गया। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन इन द विच पॉलीमर्स, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स किस में एग्जिस्ट, तो नायलोन 6-6 में होगा बच्चों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, नायलोन 6 में एमाइड होता है, एमाइड में क्या होती है, एक का CO एक का NH, दोनों के बीच में H बॉन्डिंग होगी, तो यहां पर H बॉन्डिंग के कारण इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एटोमिक आयनिक रेडियस इज नॉट करेक्ट, ठीक है, देखिए I-I+3 ये तो करेक्ट ऑर्डर आ रहा है, एनाइन्स क्या होते हैं, पेरेंट एटम से बड़े होते हैं, कैटाइन छोटे होते हैं, मैग्नीशियम सोडियम फ्लोराइड ये गलत हो गया, ये देखो बच्चों ये तो क्या जाएगा, ये उल्टा ऑर्डर आता है इसे, और ये आपका सही आ रहा है क्योंकि चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, साइज छोटा होता है इसका, सही है, लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम, ये आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो डिक्रीज हो रहा ऑर्डर, तो आपका सेकेंड आंसर जो है वो नॉट करेक्ट, मतलब जो ऑर्डर अकॉर्डिंग। द पेयर ऑफ स्पीसीज विच आर नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक का पेयर नहीं है, तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करके देख लीजिए, पता चल जाएगा, वैसे देखो थोड़ा आइडिया, ऑक्सीजन 3-3 आ रहा है इसमें, यहाँ क्लोसल्फर ऑक्सीजन 4-4 आ रहा है, यहाँ 2-2 आ रहा है, यहाँ 3 और 4 आ रहा है, देखो ऑक्सीजन में डिफरेंस आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे इक्वल हो सकते हैं, बाकी काउंट करके देख लेंगे अपन, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक का पेयर कौन सा है, नहीं है, फोर्थ। विच ऑफ फॉलोइंग मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी, मैक्सिमम आयनाइजेशन पूछ रहा है बच्चों, तो एल्यूमिनियम गैलियम ये तो पी ब्लॉक के हो गए हैं, पी ब्लॉक वालों की तो क्या होती है मेटेलिक, मैं ये कहूँ कि नॉन मेटेलिक एक्टर ज़्यादा होते हैं, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या मिलेगी आपकी, कम मिलेगी, ज़्यादा वाली नहीं बात है, और जिंक यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा क्योंकि इसमें D10 कॉन्फिग्रेशन हो गया, मतलब मैं ये कहूँ कि 3D10 हो गया बच्चों, और 4S2 कॉन्फिग्रेशन है, स्टेबल कॉन्फिग्रेशन है उसके कारण, और यहाँ कॉपर में क्या होता है 3D10 4S1 होता है, 3D10 4S1 होता है, तो इसकी एनर्जी कंपेरेटिवली कम मिलेगी, मैक्सिमम नहीं मिलेगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ इज करेक्ट। तो ये बच्चों हमारा कंप्लीट होता है सॉल्यूशन। ओके बच्चों, थैंक यू।